नगरी अमृतसर में पिछले 5 दिनों में हुए 3 धमाकों की घटनाओं को सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार की नाकामी बता रही है। SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, यदि पुलिस ने पहले 2 धमाके सही तरीके से जांच की होती तो तीसरी घटना न होती। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद अब SGPC खुद अपनी टास्क फोर्स का गठन करेगी और इसी बीच इन घटनाओं के चलते अमृतसर का पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है होटलों की बुकिंग में अचानक 50% की गिरावट देखी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का गोल्डन टेंपल में जाना कम नहीं हुआ है। घटना की गुत्थी सुलझ जाने के बाद SGPC अध्यक्ष धामी ने कहा, श्रद्धालुओं को घबराने की जरूरत नहीं और वे नियमित रूप से यहां बेखौफ होकर नतमस्तक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोल्डन टेंपल में SGPC अपने स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करेगी और ज्यादा कैमरे और स्कैनर भी लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। SGPC अध्यक्ष ने कहा, सरकार को ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर ऐसी घटनाएं पंजाब में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रही हैं।